जय श्री राम, भारत माता की जय। मैं नित्या पारिक, गोलकुंडा जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष। आजकल हिंदू धर्म का मजाक बनाना एक फैशन में आ गया है, जिसको देखो मुंह उठा के हिंदू धर्म का मजाक बनाता है। कुछ ओल्ड सिटी के राजनेताओं ने भी यह प्रयास किया था कि हम हिंदुओं की कैसे दिल को आहत पहुँचाए, ठीक उसी तरीके से ये नरेश बोल के एक व्यक्ति है जिसने बहुत ही चीप तरीके से हमारे विष्णु भगवान और अय्यप्पा स्वामी का मजाक उड़ाया है। आप सब जानते हैं कि अय्यप्पा स्वामी की पूजा करना कितना पवित्र है, और हमारे हैदराबाद में और हमारे तेलंगाना में कई दिनों से लाखों लोग बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा करते आए हैं और बहुत ही श्रद्धा से उनको मनाते हैं। इस बीच में उसने इतनी अभद्र टिप्पणी अय्यप्पा स्वामी के नाम अय्यप्पा स्वामी पे की है, तो हमने अभी चारमीनार पीएस पर लिखित कंप्लेन दी है और एसएचओ सर से भी रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की वजह से ही हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिगड़ता है, हमारे देश का, हमारे शहर का जो शांति है वो भंग होती है। तो मैं सीएम साहब से और होम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जल्द से जल्द इस आदमी पर एक्शन लें और इसको पीडीएक लगा के अंदर करें, क्योंकि ऐसे इंसान हमारे समाज के लिए बहुत हानिकारक है और इसे दोबारा मौका ना मिले और इसकी सजा को देखकर दूसरों को भी सबक मिले कि ऐसा अभद्र टिप्पणी धर्म पर नहीं किया जाए, क्योंकि हिंदू धर्म सनातन धर्म है, बहुत पुराना है। आज विदेशों में भी हमारे धर्म को पूजा जाता है और हमारे देश में रह के वो इतनी बदतमीजी करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसको सजा दिलाना ज़रूरी है। भारत माता की जय। जय श्री राम।